अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू मटर की स्ट्रीट स्टाइल एकदम चटपटी और चटकारेदार चाट। इसे बनाने के लिए हमने आलूओं को उबाल लिया है, उन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख दिया था। जब वो ठंडे हो गए उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक या उसे आप ग्रेट भी कर सकते हैं, और नमक, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं है तो आप चावल का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालकर इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हमारा अच्छे से हो जाएगा तब हम एक बाउल में ऑयल ले लेंगे और ऑयल अपने हाथों में लगाकर इन्हें टिक्कियों का शेप देंगे। और हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे मिक्स करने में हमने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आलूओं में इतना मॉइस्चर होता है कि ये बिना पानी का ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, हमने टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। टिक्कियाँ इसी तरह हमने हाथों में ऑयल लगाकर ही बनाना है, जिससे टिक्कियों का शेप अच्छा आता है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो आलू हाथ में चिपकने लगेगा। देखिए, इसी तरह हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर जब तैयार हो जाएंगी तब हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। फ्रिज में रखने से टिक्कियों का एक्स्ट्रा मॉइस्चर कम हो जाता है और ये अच्छे से सेट हो जाती हैं। आधे घंटे फ्रिज में रहेंगी, जब हमें फ्राई करना होगा तब इन्हें हम 10-15 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने एक पैन में ऑयल डाला। ऑयल जब हमारा मीडियम हॉट हो जाएगा तभी हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे। अब एक एक कर कर हम टिक्कियों को शैलो फ्राई करना शुरू करते हैं। देखिए, टिक्कियाँ हमारी सारी रूम टेम्परेचर पर थी। उसके बाद हमने टिक्कियों को ऑयल में डाला और इन्हें एक उसके साइड को क्रिस्पी और ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब उसकी एक साइड क्रिस्पी और ब्राउन हो जाएगी तब हम उसके साइड को पलट देंगे। इसी तरह हमें दोनों साइड को अच्छी तरह से क्रिस्पी और ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करना है। टिक्कियाँ हमारी जब सारी फ्राई हो जाएंगी तो हमने इमली की चटनी जो बनाई थी वो ले ली है, और बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सौंफ, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और धनिया, इन सबको हमने रोस्ट कर लिया है। उन्हें हम रोस्ट करके एक पाउडर बना लिया है। रोस्ट हमें सिर्फ जीरा, धनिया और सौंफ, इन्हें ही रोस्ट करना है। रोस्ट करके उन्हें पाउडर बना के रख लेना। ये हमने अपनी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, पाउडर जो हमने बनाया है वो, और लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये सब चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे सर्विंग के लिए। अब हम हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, इन्हें अब हम सर्व करते हैं। हमने प्लेट में एक एक करके टिक्कियाँ रख दी हैं और हमने मटर पहले ही उबाल कर रख लिया था, सादा मटर। सिर्फ मटर में हमने नमक डालकर गला लिया था मटर को। अब इन मटर को हम टिक्कियों के ऊपर ऐसे डालेंगे और उसके बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी सारी प्लेटों में डाल देंगे। और ये जो ज़ीरा, सौंफ और धनिए का पाउडर रोस्ट करके बनाया था वो डाल दिया है। फिर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी धनिया, दही डालकर ये सर्व के लिए, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुका है। यकीन मानिए, इतनी चटकारेदार और चटपटी चाट बनती है। रमज़ान में आप इफ्तार टाइम इसे बनाइए और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी एकदम स्ट्रीट स्टाइल चाट बनकर तैयार होती है। देखने में भी कितनी यम्मी लग रही है। आप लोग इस चाट को एक बार बनाएं और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।